गौर सर कैसे हो गौर जी? क्या बात है, बहुत दिन के बाद। कैसे हो गौर जी? गौर जी सेंटर में आइए ना। अच्छा सेंटर में। All of you center. Thank you. Gorji center. Thank you guys. Thank you so much. Gorji Eid आ रहा है, कुछ बोल दो। Eid आ रही है? 15 दिन से ज्यादा है ईद में। 24 तारीख की 24 एडवांस में ईद मुबारक। एडवांस सबको सबको रमजान की खुशियां, अभी रामनवमी गई है उसकी खुशियां सबको सबको हर चीज। वेलकम बैक टू योर चैनल सितारों का चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्ट्रेस गौहर खान की, जिन्होंने जैद दरबार से लगभग 2 साल पहले की शादी की थी और शादी के ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद उन्होंने अपने फैंस के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर की कि वो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। सो जैसा कि बाकी एक्ट्रेसेस अपनी इस गुड न्यूज़ को अपने फैंस के साथ कुछ फोटोशूट्स करवा के या बेबी बम को फ्लॉन्ट करते हुए रिवील करती हैं, ये न्यूज़ ब्रेक करती हैं और फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार शावर करते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि वो उनके बेबीज़ को देखें। लेकिन गौहर खान और जैद दरबार ने क्यूट सी वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर करके ये गुड न्यूज़ अपने फैंस के साथ ब्रेक की और उन्होंने बताया कि वो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं और उस वीडियो पे भी फैंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार शावर किया क्योंकि उनका अंदाज़ ही अलग था। सो गौहर खान बिल्कुल ही ये अपने लास्ट डेज में जा रही हैं और बहुत जल्द वो गुड न्यूज़ देने वाली हैं। बेबी बॉय आए, बेबी गर्ल आए, जो भी आए लेकिन वो हेल्दी हो, दैट्स मैटर द मोस्ट। और गौहर खान जैद दरबार ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करते कि बेबी बॉय हो या इधर बेबी गर्ल हो, वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, बस हेल्दी हो और यही मैटर करता है हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी में आकर वो मज़ीद ब्यूटीफुल एडिशन के तौर पर इजाफा करें। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गौहर खान और जैद दरबार का बेबी गर्ल या बेबी बॉय देखने के लिए। आप भी हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।